मैं भी रजा साहब को करीब पिछले 20 साल से जानता हूँ उनको, मैंने करीब 70 से मैं उनको जान रहा हूँ। और मेरे सामने जब मैं कॉलेज में पढ़ता था फाइन आर्ट्स कॉलेज में, तब रजा साहब आए, मैंने पहली एग्जीबिशन किसी बड़े आर्टिस्ट की रजा साहब की देखी हमारे खुद के कॉलेज में, जब उन्होंने बिंदु के ऊपर काम शुरू किया था। ये बात 75 के करीब की है। और उसके बाद में मैं भारत भवन में भोपाल में काम करता था, तब रजा साहब को कालिदास सम्मान दिया मध्य प्रदेश सरकार ने, और रजा साहब ने उस पैसे से वहाँ पर एक रजा फाउंडेशन शुरू की, और वहाँ पर एक जो नए आर्टिस्ट हैं यंगर आर्टिस्ट उनके लिए एक एग्जीबिशन और एक पुरस्कार शुरू किया। जो पहली एग्जीबिशन थी उसमें मेरा भी पेंटिंग डिस्प्ले हुआ था क्योंकि मैं उसका पार्ट था। उसके बाद में रजा साहब से मेरी बहुत भोपाल में भी मुलाकात हुई, और दिल्ली में जब वो फ्रांस से आते थे तो वो मेरे से ही मैं उनसे मिलता था, इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में वो जाते थे, मैंने उनको एक दो बार क्राफ्ट म्यूजियम भी घुमाया। तो एक मतलब एक स्टूडेंट के तौर पे जो मेरी उनके प्रति एक श्रद्धा थी और उनके काम के प्रति जो मेरा लगाव था, तो एक आर्ट स्टूडेंट की तरह अगर मैं इसको देखूं तो शायद इसके कुछ दूसरे पक्षों के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, एक स्कॉलर की तरह नहीं लेकिन एक आर्ट लवर के तौर पे। सबसे पहले हमें ये समझने की भी एक इसमें बहुत ज़रूरत है कि ये पेंटिंग एक पेंटिंग सिर्फ एक चित्र के रूप में देखने की चीज़ नहीं है। इसके थ्रू रजा साहब ने बहुत सी चीज़ों का जो उनके जीवन में उनके कलात्मक अचीवमेंट थे, जो उनकी उपलब्धियां थी, उसके माध्यम से बहुत सी चीज़ों के जवाब देने की भी इसमें कोशिश की है। और इस चित्र को देखते हुए हमें पहले ये सोचना चाहिए कि ये आर्टिस्ट अभी 80 साल पार कर चुका है जब उन्होंने ये पेंटिंग बनाया, उस समय उनकी आयु 80 के ऊपर थी। वो आज बहुत सारे लोगों को जिनको वो जानते थे पहचानते नहीं हैं, उनके हाथ उतने स्थिर नहीं है कि वो उस तरह से पेंट कर सके। इसलिए इस चित्र का एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी है कि उम्र के ऐसे पड़ाव में जब आदमी सब कुछ भूलता जा रहा है लेकिन उसको अपना बचपन याद आ रहा है, उसको अपनी जमीन याद आ रही है, उसको अपनी मातृभूमि याद आ रही है, उसको अपना भारत याद आ रहा है, उसको अपनी बचपन की यादें आ रही है जहाँ उसका बचपन बीता। तो ये एक ऐसे आर्टिस्ट का भावात्मक अभिव्यक्ति है चित्रों के माध्यम से कि जिसमें वो अपने पूरे जीवन के कलात्मक निचोड़, अपनी बचपन की स्मृतियां जो उसके अंदर बसी हुई हैं उनके माध्यम से सामने रखना चाहता है। अब इस विषय और इस आदमी के आयु के बीच में लगभग 80 साल का फर्क है। एक तरफ उनका बचपन है, एक तरफ उनका वृद्धावस्था है जिस समय वो लोगों को पहचान भी नहीं रहे कलरों को, लेकिन उनकी पहचान यहाँ पे एक बड़ी समझने की चीज है। मैं भी उनको मिलने गया था और उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं क्योंकि वो मेरे को नहीं पहचान, लेकिन उनको पता है कि वो मुझे पहचानते हैं। लेकिन उनकी पहचान आज अपने कलाकर्म के साथ में बनी, वो रंगों को पहचान रहे हैं, वो ब्रश को पहचान रहे हैं, वो अपने विषयों को पहचान रहे हैं, उन विषयों को किस तरीके से अभिव्यक्त करना है वो भी पहचान रहे हैं। भले ही वो दुनिया की बाहरी चीज़ों को नहीं पहचान रहे लेकिन अपने अंदर छुपी हुई चीज़ों को पहचान रहे, और उनकी सारी अभिव्यक्ति वो जो अंदर उनके बसा हुआ है, उनका बचपन और मंडला का जो जंगल और नर्मदा की नदी और संध्या विद्याचल और सतपुड़ा का पहाड़ और उनका अपना गांव बावरिया, उस सब को वो आज याद करते हैं और उसके लिए तड़पते हैं, और उस तड़पन में वो जो पेंटिंग बनाते हैं वो उसका मूर्त रूप ये पेंटिंग हम लोग आज इसके सामने देखते हैं। आप अगर इनके बचपन की तरफ गौर करें तो आप देखेंगे कि इनके पिताजी जो है वो रेंजर थे, फॉरेस्ट में डिप्टी रेंजर थे। और एक और चीज की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिस समय इनका बचपन था उस समय एक बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हिंदुस्तान में, डॉक्टर वेरियन, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 1950 में छापा है, आर्ट आर्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ मिडिल इंडिया। और उसमें जो उन्होंने इस जगह के जंगलों का वर्णन किया है, वो जंगल जिसमें वो दिन में भी शेर देखते थे, जहाँ सिवाय आदिवासी जंगल के कुछ स्थाई हैं जहाँ पर पेड़ पहाड़ और नर्मदा नदी कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ खत्म हो रहे हैं वो समझ में ही नहीं आ रहा। आज भी अगर आप जबलपुर से मंडला जाएं 60-70 साल के बाद में, जब डॉक्टर वेरिया लेनिन ने उसका वर्णन किया था, तब भी आपको वहाँ इतना घना जंगल दिखता है। तो उस समय मैं पहली बार जो मंडला गया तो मैं 82 में गया, लेकिन 82 में भी इतना भयानक जंगल था वहाँ पे कि मैं आपको क्या बता। हो सकता है अगर आप वहाँ पे देखें, एक तरफ सतपुड़ा का पहाड़ है, एक तरफ विंध्याचल का पहाड़ है, बीच में नर्मदा बह रही है। नर्मदा कोई सिंपल नदी नहीं है, कोई रेतीली नदी नहीं है, मैदानी नदी नहीं है, वो एक पहाड़ी नदी है जिसकी धाराएं
हर एक धारा थोड़ी थोड़ी देर बाद वहां पर एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं सहस्त्र धारा, यानी सहस्त्र यानी हजार, एक नदी में से हजारों धाराएं बह रही, यानी इतना घना जंगल, बीच बीच में चट्टान, पानी, आसमान, सूरज की रोशनी, पानी की चमक, ये सारी चीजें कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है। हम इसको एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, लेकिन अगर आप रियल में भी वहां की नर्मदा को और उस समय की कल्पना करो 60 साल पहले, जिस समय वहां पर इतना घना जंगल था और नदी का इतना विकराल रूप था, पहाड़ इस तरीके थे, तो वो करीब करीब ऐसा ही लैंडस्केप नजर आता है कि जिसमें नदी कहाँ शुरू हो रही है, पहाड़ कहाँ शुरू हो रहा है, जंगल कहाँ शुरू हो रहा है, वो पता नहीं चलता। और लेकिन एक ऐसे कलाकार जिसके उन्होंने रजा को जो आधुनिक चित्रकार आर्टिकेटिड है वो उनको कहते हैं कि वो एक्सप्रेशनिस्ट कलाकार है। एक्सप्रेशनिज्म के कलाकार इस बात में विश्वास करते हैं कि यहाँ पे लैंडस्केप से संबंधित दो बातें मैं बता दूँ कि रजा साहब को शुरू से ही एक लैंडस्केप की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव था, और उन्होंने जिस स्कूलों में अध्ययन किया, नागपुर और बॉम्बे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, ये वाटर कलर और लैंडस्केप के लिए बहुत मशहूर है। अगर आप आर्ट वर्ल्ड में कुछ इंटरनेट पे अगर आप देखेंगे या पुरानी किताबें देखेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में बंगाल के अलावा अगर कोई लैंडस्केप और वाटर कलर के मास्टर लोग थे तो वो ज़्यादातर बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़े हुए लोग। दूसरा, जो रजा साहब को मानते हैं वो एक्सप्रेशनिस्ट लैंडस्केप बनाने वाला कलाकार शुरू के दिनों में उनको माना जाता है। एक्सप्रेशनिज्म वो दिन है, आर्ट की वो विधा है 19वीं शताब्दी में कला के अंदर विज्ञान का बहुत बड़ा दखल शुरू हुआ, जब कैमरे का आविष्कार हुआ और जब इंप्रेशनिज्म का जन्म हुआ, उस समय उन लोगों ने माना कि हमारे लिए ऑब्जेक्टिव रियलिटी उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव रियलिटी में भी उन्होंने जो प्रकाश है, यानी लैंडस्केप आर्टिस्ट थे माने उन्होंने, वो भी लैंडस्केप आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्ट की बजाय उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट के पड़ने वाले प्रभाव को चित्रित किया। लेकिन एक्सप्रेशनिज्म उससे भी आगे चल गए, उन्होंने कहा कि हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी को पेंट नहीं करेंगे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद हमारे मन में क्या भावनाओं का उथल पुथल होता है, जो नर्मदा नदी बाहर बह रही है वो हमारे अंदर किस तरह बहती है, हम उसको चित्रित करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम जो नर्मदा देखते हैं ये वो नर्मदा नहीं है जो मंडला में बह रही है, लेकिन ये नर्मदा जो मंडला में बहती थी वो आज रजा साहब के अंदर मन में किस तरह बह रही है, वो नर्मदा का चित्र हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि तीन मुख्य कलाएं हैं, चाहे वो थिएटर आर्ट हो या संगीत हो या चित्रकला हो। आप देखेंगे कि संगीत में भी पहले लोग गीत गाते हैं, फिर क्लासिकल गाते हैं और बाद में आला, तो पहले गीत महत्वपूर्ण होता है, शब्द महत्वपूर्ण होते हैं गीत के, उसके बाद उसमें संगीत महत्वपूर्ण होता जाता है, लेकिन अंत में जाके वो शुद्ध शुद्ध संगीत स्वर रह जाते हैं। जब एक आदमी आलाप लेता है, और आलाप संगीत का सबसे कठिन दौर माना जाता है, जिसके अंदर कोई शब्द नहीं होते लेकिन स्वर होते हैं, और वो स्वर ही ऐसे होते हैं कि जब एक संगीतकार आलाप लेता है आपकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आप थिएटर में देखते हैं कि थिएटर में जो आर्टिस्ट अपने एक्ट के एक्टिंग के चरण पर पहुंच जाता है तो वो मोनो प्ले करता है, माइंड करता है, एक ही आदमी होता है, वो अपने आप से संवाद करता है, वो केवल अपने इमोशंस के एक्सप्रेशन से आपकी तरफ बातों को संप्रेषित करना चाहता है, आपको कम्युनिकेट करना चाहता है केवल अपने एक्सप्रेशन से। इसी प्रकार जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, जो एक्सप्रेशनिस्ट आर्ट है, वहां भी ठीक उसी तरीके का एक मौन संवाद है, जिसमें कोई भी दिखने वाली सापेक्षिक चीज के साथ में मेल मिलाप नहीं है, लेकिन उन सापेक्षिक चीजों का कलाकार के ऊपर अंतर्मन पे उसके पड़ने वाले प्रभाव और उससे उसको जागृत होने वाली भावनाएं वहां पर अपने को दिखाई देती है। तो अगर हम इस प्रकार भी एक कंपैरिजन करें और इस प्रकार भी समझने का प्रयास करें तो ये रजा साहब का जो काम है वो उनके अंतर्मन में बह रही नर्मदा का वो प्रतिबिंबित है।